हेलो बाबर, यार गेम बंद कर देना भाई। यार मैं मर गया यार। हाँ मर गया, अच्छी यार बात। फिर से रिवाइव हो जाओगे तुम यार आजकल ये सेलफोन वाला सीन बड़ा, मतलब हमने तो बड़ी लेट जाके सेलफोन इस्तेमाल करना। हाँ वैसे सही बात है। तुमने कब स्टार्ट किया था? ऐसे मैंने कब स्टार्ट किया था? व्हेन आई वाज आई थिंक 18 17 18 के बाद। अब तो जब 12 साल के, 12 भी नहीं किया यार, जब बच्चे होते तो आईपैड हाथ में होता है यार। मेरे जो कजनों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बोलना नहीं आता, ठीक है? मतलब लिटरली किसी ने उनको कन्वे नहीं की है इन्फॉर्मेशन की है, कैसे खुलता है, वो खुद सीख लेते हैं कि अच्छा। बड़ों को देखते हैं ना कि ये बटन दबाएगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, और वो गैलरी में पहुंच जाते हैं खुद ही और तस्वीरें देख रहे होते हैं। वो वही है, वही है ना, मंकी सी मंकी डू। और आजकल के तुमने देखा है ये टीनएजर्स का, भाई हमारे लिए तो फेसबुक एक नई चीज़ थी ना, आजकल तो वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आ गए। यार आई डोंट हैव इट, मैं इंस्टाग्राम ट्विटर स्नैपचैट किसी भी नहीं हूं मैं। आप रोज स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी आ गई है भाई। पहले स्टोरियां सुननी है लोगों ने, वो काफी नहीं था कि आप हर चीज पे अपडेट कर रहे हो, अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हो। नहीं आप तो लाइव अपडेट चल रही है ना। वैसे ऑनेस्टली ये बॉयज और ये जो नए नए लोग हैं ना, ये अपनी लाइफ की वैल्यू जो है कम कर रहे हैं। आप अगर ये ना करो तो शायद अब बाद में कोई लेजेंड बन जाओ, कोई बहुत बड़ी चीज बन जाओ, फिर बुक लिख लो, पैसे बन जाएंगे आपके। नहीं लेकिन थोड़ी ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्लेवर तुम स्नैपचैट यूज करते होते तो मैं पता होता कि स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाती है, मिट जाती है 24 आवर्स। और तो वही तो मैं बोल रहा हूं, किताब लिख लो, इससे बेहतर है, पैसे आ जाते हैं यार। लेकिन ये भी है कि आप अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जो हर रोज, क्योंकि वो एक होता है ना कि जितने लाइक पर आएंगे आपको या जितने उस पर कॉमेंट्स आएंगे, वो एक होता है कि खुशी होती है, मेरा दिल वाओ, आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ सेलिब्रिटी मैन। तो वो अगर आपको रोज मिल रही है आप उससे एडिक्टेड हो गए हो, तो अगर जब वो नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? तो हम भी तो यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, बट हम एक शो कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग अपने दिन का बारे में नहीं बता रहे हैं कि ओ गॉन टू दिस रेस्टोरेंट फ्री कुकी, डूड्स गेट ओवर इट मैन। सही है। और उसके ऊपर से व्हाट दिस इज डन, देखो आप रोड पे चल रहे हो, कोई भी बंदा 99% ऑफ द टाइम हल्के चला रहा है रोड पे, ही इज टेक्स्टिंग, कॉल भी नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, वो टैक्स कर रहा है। यार सीरियसली पार्क कर दो गाड़ी, साइड पे कर दो, और इससे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये भी है, एक हैजर्ड बन गया हमारे लिए। सिग्नल भी नहीं रुकते यार, मोबाइल आप उसकी करने की बात कर रहे हो, आपको मैसेज भी उसी वक्त करना है, पूरे दिन के बारे में भी बताना है अपना। ये नहीं है कि एक छोटा सा बोल दो ड्राइविंग। ट्रू मैन। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट्स नॉट द ओनली डेंजर, एक मेंटल डेंजर भी है इसका, एक इमोशनल डेंजर भी है कि यार इतनी सारी आपको न्यूज़ फीड आती है। अब सीरिया में ये हो रहा है, यमन में ये हो रहा है, बेरूत में ये हो रहा है, फ्रांस में ये हो रहा है, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, अफ्रीका में ये हो रहा है, देयर इज सो मच हैपनिंग दैट इट डिसेंसिटाइजेस यू, इट मेक्स यू फील डिप्रेस्ड फ्रॉम लाइफ, और इट्स यू बिकम इग्नोरेंट ऑफ दीस थिंग्स, क्योंकि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग इन। ये बात सेलफोन की गलती नहीं है, ये बात है द वे वी ट्रांसलेटेड। अब ऑब्वियसली सबको फर्क नहीं पड़ता, सम पीपल यूज देयर फोन फॉर गुड थिंग्स एज वेल, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो फेसबुक पे जो रिपोस्ट कर रहे होते हैं, जो चीजें फजूल की शेयर हो रही होती हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। इवन दो इट्स एवोल्यूशन के एक पॉइंट आ गया, लेकिन यार फिर भी इट इज, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर रियल इंटरेक्शन। आप बैठ के अगर आप कहीं एलिवेटर में हो या टैक्सी उसमें हो या बस में हो या फॉर एग्जांपल वेटिंग रूम में हो, आप बैठे हुए फ़ोन पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप बैठ के उससे बात नहीं करेंगे, आपने पूछा अच्छा सो क्या सीन है, यू डोंट हैव अ कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर एनीमोर। आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, अब आप उस इंसान को अब वो इंपॉर्टेंस ना ही देना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो, आई मीन इफ द फोन इज गेटिंग यू क्लोजर टू पीपल, देन व्हाई इज देयर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट स्ट्रेंजर। बट ये डिस्टेंस यार, मुझे तो इससे थोड़ी सी चिढ़ भी होना शुरू हो गई है कि मैंने इसलिए अब सेल फोन बड़े दिनों से खराब है, ठीक भी नहीं कराया। हाँ तुम वो हमें पता है क्या, हमें पता है क्या, हम कोई इग्नोर कर करेंगे। अबे यार इग्नोर नहीं कर रहा, नहीं नहीं उस टाइम मैं सो रहा था, ठीक है, जब तुम्हारी कॉल नहीं, नहीं उठाता
फोन नहीं उठाता यार, बहुत तप रहा हूं मैं इस बात। और फिर तुम अपने फोन बंद कर देते हो क्योंकि हमें पता है मसले यार। अब फोन एक तो ये है ना, इसकी बैटरी हिल जाती है, ठीक है। मैं कभी सो रहा था, मेरा हाथ लग गया, बैटरी हिल गई, ठीक है। तो तू अब ज़हन में समझ रहा, अच्छा इसने एक तो मेरा फोन उठाया नहीं है, ऊपर से फोन बंद भी कर दिया। भाई भाई इससे पहले बसाम गुस्सा करे, हम लोग एक स्किटी दिखा देते हैं जिसमें मेरा गुस्सा है, ठीक है। बर्थडे पे बुला रहा था और तूने फोन काट दिया, अब मैं तेरा फोन काटूंगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको आप ये नहीं कर सकते कि सेल फोन खत्म हो जाए। नहीं नहीं, सेल फोन देखो, सेल फोन खत्म नहीं करनी चाहिए। देखो यूज़ किसी तरीके से कम हो जाए, देयर इज एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, टू सेल फोन्स, टू यूसेज। वो एडिक्शन ना हो, इट शुड नॉट बी समथिंग। जैसे हमारा एक दोस्त है जो लिटरली जब बात कर रहा होता है स्वाइप करता रहता है और उसको पता है कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा दोस्त खिसका है, वो अबे बोलेगा, वो हमसे बोलेगा कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और फिर उससे बोलेंगे क्या बोला मैंने, हाँ हाँ तू ये बोला था, क्या बोला था। कुत्ते को कॉल करो, 11:11 मिस कॉल लगा दो, वो नहीं उठाएगा फोन आपका, ठीक है। लेकिन जब भी आप उसके साथ सामने बैठे हो वो फोन पे लगा, मतलब या तो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा वो इतनी, ठीक है, या वाकई वो फोन। लेकिन देयर इज एन एडिक्शन, और इसका जो सबसे मेन आई वुड से द सॉल्यूशन फॉर मी वुड बी कि यार आप फोन, कोई आपको प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है जिसमें आप अपना फोन रखें और उसमें टाइमर लगाएं और उसमें आपका फोन मतलब आप दूर कर रहे हैं। आप नहीं, इट शुड बी प्योर विल पावर, विल पावर से होना चाहिए, बिल्कुल। यू शुड चेरिश रियल कॉन्वर्सेशन, जी जैसे हम करते हैं। इसके अलावा क्या होना चाहिए फिर? इसके अलावा लेकिन मैं इसको फिर ये कहता हूँ कि सेल फोन एडिक्शन तो नहीं है, ये सेल फोन इज नॉट द एडिक्शन। देखो एक बंदे को अगर सोशल मीडिया एंड सेल फोन बहुत कंबाइंड, बहुत कंबाइंड, अगर आपके हाथ में सोशल मीडिया नहीं होता तो इतना एडिक्शन नहीं होती, तो एडिक्शन नहीं होती। लेकिन उसमें ये भी है ना कि आपको रियल लाइफ से इतनी अटेंशन नहीं मिल रही जो आपकी बेसिक एक जरूरत है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि एवरी पर्सन शुड हैव अ क्लेंजिंग टाइम पीरियड, कि मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस सबसे उतर जाए जस्ट फॉर अ मंथ, जस्ट फॉर अ वीक। मतलब एवरी मंथ में अगर एक हफ्ता भी कर लेना तो इट एक सुकून देता है। और अगर आप आज पूछते हो ना यार फेसबुक पे नहीं, तो फेसबुक नहीं, नहीं यार तो झूठ बोल रहा होगा, मतलब इट्स अनबिलीवेबल फॉर पीपल यार। और फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि आप एक ग्रुप में हो, आप दोस्त हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये कब हुआ, अबे फेसबुक पे अपडेट किया था, ठीक है। तो मतलब भाई मुझे बता दे भाई, तू जरूरी है फेसबुक पे बताना तूने। और ये बहुत बुरा होता है, ये रूल है बाय द वे। आप अगर शादी पे किसी को बुला रहे हो, शादी का कार्ड उसके घर पे जाना चाहिए, कम से कम कॉल कर दे यार, गॉड सेक्स। हमारे यहाँ तो हर चीज पे बैन लग जाता है ना, अगर फॉर एग्जांपल सेल फोन एडिक्शन बिकम्स अ बिग फकिंग प्रॉब्लम हो सकता है एंड द गवर्नमेंट बैन कर दो, बैन इट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें बैन कर देती है, क्या होगा देखें देखें।
बहुत हालत खराब हो रही है यार, जमाने हो गए स्टफ को हाथ लगाए। यार बहुत टाइम हो गया। अभी पिछले दिन एक दोस्त ने स्कोरिंग कराई, आईफोन का बोल के क्यों मोबाइल दे दिया। जो स्माल कुछ करना यार, कोई कांटेक्ट लगा यार। कांटेक्ट मैंने सुना था वो है ना, उसे 16+ सोलह डिब्बा पैक सील भी लगी थी उसकी। क्या डिलीवरी करता है, क्या करता है? अबे डिलीवरी करता है, शहबाज जाना पड़ेगा यार। शहबाज जाने का तो मसला नहीं है यार, उसको रखेंगे कहाँ पे, उसकी इतनी बड़ी तो स्क्रीन होती है, पिस्टलों ने पकड़ लिया ना तो लग जाएंगे रात के 3 बज रहे। मेरे पास तो घड़ी भी नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा यार। यार चल फक इट, चल चलते हैं, चलते हैं, चल 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 ले लिया दिए, चल चल। यार वो गूगल ट्रांसलेट करेगा क्यों? यार चाइनीज है ना डीलर। ओह अच्छा, हाँ 16+ ट्रांसलेट कर, क्या होता है? 16+ हाँ ठीक है यार, यार अब बेंचर दस्ते में टुल्ले नहीं खड़े हो। गाड़ी रोक, सामने मोबाइल देख के आए? नहीं नहीं तेरी आंखों से लगे, कल हमने तो मोबाइल देखा ही नहीं। खुजली हो रही? खुजली हो रही? नहीं। खुजली हो रही? नहीं। कहाँ फिर आई थी तुम? सेक्टर 18 जू मोबाइल नहीं है सर मेरे पास। कौन सा मोबाइल है सर? मोबाइल तो इलीगल है। क्या स्कोर किया तुमने? नहीं तो रखा होगा तूने। आंखों से पता चल रहा है तूने मोबाइल देखा है अभी? ऐसा हुआ कि 5 मिनट पहले तूने मोबाइल देखा है? कसम से निकाल ले, निकाल ले, वरना मैं देख रहा हूँ पूरी पूरी गाड़ी छान मार दूंगा। चेक कर ले सर, अब देखो अपना। तो अल्कोहल किसकी कपड़े पकड़ो, कहाँ छुपा है तुमने? बता देना यार, मैंने नहीं देखा मोबाइल कभी। आप चले काम कर, चाय पानी के बाद चाहिए। अरे जबरदस्त, अरे बैठिए बैठिए, आप तो बैठिए बैठिए।
एडिक्शन बहुत बुरी चीज है. एडिक्शन यार, एडिक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड यार, फॉर गॉड सेक. नहीं यार, एडिक्शन जो है ना सेलफोन की. तो भाई बात ये है कि सेलफोन बुरी चीज नहीं है, उसके अंदर घुस जाना और घुस के वापस निकलना ना ही, ये एक बहुत बुरी बात है. तो सेलफोन अच्छी चीज है, फॉर एग्जांपल उस पे आप चाय सुट्टा शो भी, अब जैसे सब्सक्राइब राइट नाउ, अगर आप इसको वीडियो को ऐसे थोड़ा सा स्वाइप ऊपर करेंगे ना, नीचे एक लाइक वाला बटन आएगा, उसको आप दबाएं, साथ में एक इधर करके सब्सक्राइब वाला बटन होगा, फिर कमेंट करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपकी आसानी के लिए. इस तरह आप सेलफोन को अच्छे अंदाज में यूज कर सकते हैं. ये था चाय सुट्टा शो, आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. आई कैन क्विट एनी टाइम.